हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी पारिस्थितिकी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का नाम सबसे पहले किसने दिया? हु फर्स्ट गेव द नेम इकोसिस्टम? ए टेंसले, बी ऑडम, सी लिंडरमैन, डी कार्ल मोबियस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टेंसले। टेंसले ने इकोसिस्टम सबसे पहले शब्द का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजी टेंसले ने शब्द दिया। एजी टेंसले कॉइंड द टर्म। ए अस्थापन, एस्टैब्लिशमेंट, बी अनुक्रमण, सक्सेशन, सी समुदाय, कम्युनिटी, डी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द प्रस्तावित किया। द टर्म इकोसिस्टम वॉज प्रपोज बाय ए ओडम ने, बी टेंसले ने, सी विटेकर ने, डी गोली ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टेंसले ने। अब आप देखिए, एक ही क्वेश्चन को तीन अलग अलग तरीके से पूछा गया है और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यही एक क्वेश्चन जो है वो पीजीटी 2013, 2011 और टीजीटी बायोलॉजी 2009 में अलग अलग तरीके से घुमा के पूछा गया। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन इसीलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द प्रथम बार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? द वर्ड इकोसिस्टम वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय ए स्टैनले, बी टेंसले, सी हक्सले, डी मिश्रले। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया? हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम? तो ये इसका टेंसले ही सही जवाब हो जाता है। ये क्वेश्चन बार बार इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग फॉर्म में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम में। जिस भाषा में पूछा गया है, जिस तरीके से पूछा गया है, मैंने उसी तरीके से इंक्लूड किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इकोटाइप शब्द किसने प्रस्तावित किया? हु कॉइंड द टर्म इकोटाइप? ए ओडम, बी टर्सन, सी टेंसले, डी वॉर्मिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टर्सन। टर्सन ने इकोटाइप शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह को घेरने वाला जीवित पदार्थों का समूह कहलाता है। द स्फीयर ऑफ लिविंग मैटर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कॉम्प्रोमाइजेस। ए लिथोस्फीयर, बी जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, सी वातावरण एटमॉस्फेयर, डी जैव मंडल वायोस्फीयर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जैव मंडल वायोस्फीयर। एट क्वेश्चन है, पौधे के कई समुदायों का अपने आसपास के वातावरण से जो रिश्ता होता है उसे कहते हैं। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स विद इट्स सराउंडिंग इज नोन एज। ए स्व पारिस्थितिकी ऑटो इकोलॉजी, बी सम पारिस्थितिकी सिंकोलॉजी, सी जीन पारिस्थितिकी जीनिकोलॉजी, डी उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंकोलॉजी, संप्रास्थितिकी। जो सिंकोलॉजी है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर आपसे पूछा जाता है तो श्राइटर और एक वैज्ञानिक और है क्रिचनर, इन दोनों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन है, समुदाय पारिस्थितिकी अध्ययन है। सिंकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ए वातावरण के संबंध में समुदाय का, कम्युनिटी इन रिलेशन टू एनवायरमेंट, बी व्यक्तियों का इंडिविजुअल, सी वातावरण का एनवायरनमेंट, डी जल का वाटर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वातावरण के संबंध में समुदाय का। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा प्रचुर वन में किया गया पारिस्थितिकी अध्ययन है। एन इकोलॉजिकल स्टडी अंडरटेकन इन रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इज। ए जैविक बायोलॉजिकल, बी स्व पारिस्थितिकी ऑटो इकोलॉजिकल, सी सम पारिस्थितिकी सिंको इकोलॉजिकल, डी सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, संप्रास्थितिकी सिन इकोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेवेंथ, जब एक समिष्ट पहली धीमी गति से बढ़ती है फिर तेजी से तथा अंततः स्थायी हो जाती है तो समिष्ट वृद्धि चक्र होगा। व्हेन अ पॉपुलेशन फर्स्ट इंक्रीजेस स्लोली then rapidly and finally becomes constant, the population growth curve will be A J आकार का J shaped, B S आकार का S shaped, C दोनों J आकार तथा S आकार का both J shaped and S shaped, D none of the above।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एस आकार का, एस शेप्ड। जब भी कोई पॉपुलेशन धीमी गति से बढ़ेगी और उसके बाद तेजी से अंतःस्थायी हो जाएगी, तो इस तरीके का चक्र में जो होता है वो एस शेप का गति दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न। ओजोन की परत कहाँ उपस्थित रहकर पृथ्वीवासियों को पराबैंगनी किरणों से बचाने का कार्य करती है? द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर इन विच एरिया प्रोटेक्ट्स द रेजिडेंट्स ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज? ए जीवमंडल बायोस्फीयर, बी शोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, सी समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, डी मध्यमंडल मीजोस्फीयर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन डे इज ऑब्जर्व ऑन ए जनवरी 30 को, जनवरी 30, बी अप्रैल 21 को, सी सितंबर 16 को, डी दिसंबर 25 को। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 14वां क्वेश्चन, वायुमंडल में एकमात्र गैस जो सूर्य की खतरनाक विकिरण को अवशोषित करती है वह है? द ओनली गैस इन द एटमॉस्फेयर दैट कैन एब्जॉर्ब द सन्स डेंजरस रेडिएशन इज? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ओजोन, सी नाइट्रोजन, डी नाइट्रस ऑक्साइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचावकारी ओजोन परत घटने का मुख्य कारण निम्न की उपस्थिति है। डिप्लीशन ऑफ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नॉक्स, डी सल्फर डाइऑक्साइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत का विनाश कारक है। ओजोन लेयर इन अपर मोस्ट एटमॉस्फेयर इज डिस्ट्रॉयड बाय ए फोटोकेमिकल धूम कोहरा, फोटोकेमिकल स्मोक, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन, क्षतिग्रस्त ओजोन परत स्थित होती है। द डैमेज लेयर इज सिचुएट ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन ए आयन मंडल में आयनोस्फीयर, बी मध्यमंडल में मीजोस्फीयर, सी समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर, डी ट्रोपोस्फीयर, शोभ मंडल में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें ओजोन अधिक मात्रा में उपस्थित है? ओजोन इज प्रेजेंट इन लार्ज कॉन्सेंट्रेशन इन ए आयनोस्फीयर, बी स्ट्रेटोस्फीयर, सी उत्तरीय ध्रुवीय प्रदेश में आर्कटिक रीजन, डी दक्षिण ध्रुवीय प्रदेश में एंटार्क्टिक रीजन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फीयर। अगला प्रश्न है 19वां क्वेश्चन, ओजोन परत मौजूद है। द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन ए शोभ मंडल में, बी समताप मंडल में, सी स्थल मंडल में, डी मध्य मंडल में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत को नष्ट करने में सहायक रसायन है। द केमिकल डेट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर अबव द अर्थ सर्फेस इज ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मरकरी, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 21वां क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अणु समताप मंडल में निम्न में से किससे क्लोरीन फ्लोरीन तथा कार्बन में टूटता है? द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रेक्स डाउन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इनटू क्लोरीन फ्लोरीन एंड कार्बन एटम्स बाय ए रासायनिक सक्रियता केमिकल एक्टिविटी, बी पराबैंगनी किरणों की सक्रियता अल्ट्रावायलेट एक्टिविटी, सी विखंडन फिशन, डी सन्निलयन फ्यूजन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणों की सक्रियता अल्ट्रावायलेट एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन है, वातावरण संरक्षण पर प्रथम वर्ल्ड अर्थ समिट किस देश में हुई? फर्स्ट अर्थ समिट फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन वॉज हेल्ड इन ए भारत इंडिया में, बी ब्राजील, सी स्पेन, डी पेरू। द करेक्ट ऑप्शन इज, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील में। सबसे पहले वर्ल्ड अर्थ समिट कहाँ हुई थी? ब्राजील में हुई थी। कब हुई थी ये? 1992 में हुई थी। और
ब्राजील में भी कहाँ हुई थी, रियो डी जिनारो में हुई थी। ये तीन चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। और इस कार्यक्रम के एजेंड, हर कार्यक्रम को जो है कोई नाम दिया जाता है, तो इस कार्यक्रम को कौन सा नाम दिया गया था, इसे नाम दिया गया था एजेंडा 21। कौन सा नाम दिया गया था, एजेंडा 21। 23rd क्वेश्चन है, मानवीय वातावरण पर्यावरण पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्कॉट होम में किस वर्ष में हुआ था। फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वॉज हेल्ड इन स्कॉट होम इन द ईयर ए 1972, बी 1986, सी 1992, डी 2000। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1972 में स्वीडन के स्कॉट होम में पहली बार मानवीय पर्यावरण पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। 24th क्वेश्चन है हमारा, ओजोन का निर्माण सर्वाधिक होता है, लार्जेस्ट ओजोन फॉर्मेशन इन ए भारत इंडिया, बी यूरोप, सी एंटार्क्टिका, डी अफ्रीका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में सबसे ज्यादा ओजोन फॉर्मेशन होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 25th क्वेश्चन है, भारत में कितने जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं। नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज ए 12, बी 13, सी 14, डी 17। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2011 में आया था और इसके चारों ही ऑप्शन जो है वो गलत दे रखे हैं इस क्वेश्चन में। तो अगर हम बात करें भारत के जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व की, तो उनकी संख्या जो है वो भारत के अंदर 18 है। और जब ये प्रश्न 2011 में आया था तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए थे वो 12, 13, 14, 17 दिए थे। तो इस क्वेश्चन पे आपको एक कॉमन नंबर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में वनाच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हाउ मच फॉरेस्ट कवर शुड बी देयर इन हिली एरियाज, ए 45%, बी 80%, सी 67%, डी 33%। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 67%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कुल एक तिहाई, यानी कुल एक तिहाई का मतलब हो जाता है 33% क्षेत्र जो है वो वनाच्छादित होना चाहिए और पहाड़ी क्षेत्रों में कितना होना चाहिए, दो तिहाई होना चाहिए, यानी कि 67% होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, नीलगिरी आरक्षित जीवन मंडल अवस्थित है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन ए केवल तमिलनाडु में, तमिलनाडु ओनली, बी केवल कर्नाटक तथा केरल में, कर्नाटका एंड केरला ओनली, सी केवल तमिलनाडु तथा केरल में, तमिलनाडु एंड केरला ओनली, डी तमिलनाडु केरला एंड कर्नाटक ओनली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, केवल तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में। नीलगिरी जो है वो आरक्षित जीव मंडल है, क्या है ये, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है जो भारत के तीन राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में। 28th क्वेश्चन है, पौधा घर प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट निम्न का मुख्य कारण हो सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी मेनली अ कॉज ऑफ ए समुद्र स्तर का बढ़ना, राइज इन सी लेवल, बी मरुस्थल भूमि का बढ़ना, राइज इन डेजर्ट लैंड, सी मृदा अपरदन बढ़ना, राइज इन सॉइल इरोजन, डी बर्फ का अधिक गिरना, राइज इन स्नोफॉल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए समुद्र स्तर का बढ़ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये जो है किसी एक कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ये क्यों होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से होती है। क्यों होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से होती है, ठीक है। और पिछले 50 सालों में अगर हम बात करें तो पिछले 50 सालों में कार्बन डाइऑक्साइड में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो, पृथ्वी के औसत तापक्रम में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। और ऐसा माना जाता है कि 2050 तक कितनी
तापमान में कितनी डिग्री का टेम्परेचर का चेंज आने वाला है, 5 डिग्री सेल्सियस तक चेंज आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो जल स्तर है उसमें 10 इंच से 5 फुट तक की वृद्धि हो जाएगी। और इसका रिजल्ट क्या होगा, जितने भी समुद्रीय तटीय नगर हैं वो सारे के सारे समुद्र में डूब जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 29th क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव संबंधित है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू, ए वैश्वीकरण हरे शैवालों से ग्लोबल ग्रीन एल्गी, बी वैश्वीकरण ताप होने से ग्लोबल वार्मिंग, सी हरे पादपों के उगाने से कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन प्लांट्स, डी घरों में सब्जियों को उगाने से कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स इन हाउस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वैश्वीकरण ताप होने से ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 क्वेश्चन है, भूमंडलीय ताप का कारण है, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय, ए मानव जनसंख्या में वृद्धि इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, बी नाभिकीय विकिरण में वृद्धि इंक्रीज इन न्यूक्लियर रेडिएशन, सी ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, डी इंक्रीज इन यूज ऑफ पेस्टिसाइड, पीड़कनाशी का अधिक उपयोग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। अगला प्रश्न है, विश्व की जलवायु को खतरा है, ग्लोबल क्लाइमेट इज इन डेंजर ड्यू टू, ए ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा से इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सी ओजोन की बढ़ती मात्रा से इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन, डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, विच इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी मिथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, मिनीमेटा रोग का संबंध किससे है, मिनीमेटा डिजीज एसोसिएटेड विद, ए सीशा लेड, बी पारा मरकरी, सी हाइड्रोजन सल्फाइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पारा मरकरी। मिनीमेटा रोग जो है वो एक वाटर पोल्यूशन से कॉज होने वाली डिजीज है, किससे होती है, वाटर पोल्यूशन से, जल प्रदूषण से कॉज होने वाली डिजीज है, संबंधित है। इसमें क्या होता है, जो फैक्ट्री से बहुत सारा वेस्ट मरकरी पानी में आकर मिक्स हो जाता है, तो इसको मछलियां खाती हैं, और यही मछलियां जब इंसान खा लेते हैं तो इनसे प्रभावित, इस रोग से प्रभावित हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 34th क्वेश्चन, मिनीमाता महामारी जिसमें कई लोगों की जाने गई का कारण है, मिनीमाता एपिडेमिक इन विच मैनी पीपल डाइड अकर ड्यू टू, ए वातावरण में SO2 का रिसाव, बी जल में SgCl2, सी ध्वनि प्रदूषण, डी मृदा प्रदूषण। द करेक्ट आंसर इज SgCl2 इन वाटर, जल में HgCl2, मरकरी जब बढ़ जाता है तब ये बीमारी फैलती है। अगला प्रश्न है, मिनीमाता बीमारी का कारण है, मिनीमाता डिजीज रिजल्ट्स फ्रॉम, ए वातावरण में आर्सेनिक का जमाव, एक्युमुलेशन ऑफ आर्सेनिक इन द एटमॉस्फेयर, बी पीने के पानी में मनुष्य के अपशिष्ट का निर्मुक्त होना, रिलीज ऑफ ह्यूमन वेस्ट इनटू ड्रिंकिंग वाटर, सी फैक्ट्री के अपशिष्ट मरकरी का पानी में निर्मुक्त होना, रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट मरकरी इनटू वाटर, डी कॉपर का पानी में निर्मुक्त होना, रिलीज ऑफ कॉपर इनटू वाटर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फैक्ट्री के अपशिष्ट मरकरी का पानी में निर्मुक्त होना, रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट मरकरी इनटू वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36th क्वेश्चन, मिनीमेटा रोग जो कि जापान में जल प्रदूषण के कारण फैला था का कारण था, मिनीमेटा डिजीज इन जापान वॉज कॉज्ड बाय पोल्यूशन ऑफ वाटर ड्यू टू, ए सीसा लेड, बी साइनाइड, सी पारा मरकरी, डी मिथाइल आइसोसाइनाइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मरकरी पारा। 37th क्वेश्चन देखते हैं, हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स आर, स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स, बी परपोषी हिटरोट्रॉप्स, सी मृतपोषी सेप्रोट्रॉप्स, डी परजीवी पैरासाइट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का श्रेणी में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर, ए पादप प्लांट्स, बी पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन, सी नीम,
डी ये सभी ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ये सभी ऑल ऑफ द अबव। 39th क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादक प्रोड्यूसर्स हमेशा होते हैं। प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज ए शाकाहारी हर्बीवोरस, बी मांसाहारी कार्निवोरस, सी जीवाणु बैक्टीरिया, डी हरे पौधे ग्रीन प्लांट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हरे पौधे ग्रीन प्लांट्स। 40 क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पारिस्थिति विज्ञानी हरे पौधों को पारक्रमिक कहना अधिक पसंद करते हैं ना कि सम इकोलॉजिस्ट प्रेफर टू कॉल द ग्रीन प्लांट्स एज ट्रांसड्यूसर्स इन प्लेस ऑफ ए सम परिवर्तक कन्वर्टर्स, बी उपभोक्ता कंज्यूमर्स, सी उत्पादक प्रोड्यूसर्स, डी अग्रग्रामी पायनियर्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी उत्पादक प्रोड्यूसर्स। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में उत्पादक कहते हैं या प्रोड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश लाइट को सिंथेसाइज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 41st क्वेश्चन है। इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ए सूरज की रोशनी, सनलाइट, बी ग्लूकोज, सी प्रोटीन, डी एटीपी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सूरज की रोशनी सनलाइट। 42nd क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का संचार होता है उसके लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। फॉर फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम प्लांट गेट्स एनर्जी फ्रॉम ए सूर्य सन, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गहरे सामुद्रिक पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन डीप सी वाटर कैन बी ए सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, बी जल विद्युत हाइड्रो पावर, सी हाइड्रोथर्मल वेंट, सी सॉरी डी जीवाश्म फॉसिल्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोथर्मल वेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में संबंधों को प्रदर्शित किया जा सकता है। रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम कैन बी डिपिक्टेड थ्रू ए ऊर्जा के पिरामिड द्वारा पिरामिड ऑफ एनर्जी, बी बायोमास के पिरामिडों द्वारा पिरामिड ऑफ बायोमास, सी संख्याओं के पिरामिडों द्वारा पिरामिड ऑफ नंबर, डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। अगर हम ट्रॉपिक लेबल्स की बात करें तो ट्रॉपिक लेबल जो होता है इसमें पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर सभी को दर्शाया जाता है। 45th क्वेश्चन देखते हैं। नंबर जैव मात्रा एवं ऊर्जा के संदर्भ में जो आपसी रिश्ता होता है उसका एक आरेख के रूप में दर्शाया जाता है वह क्या कहलाता है। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स बायोमास एंड एनर्जी लेवल ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स मे बी रिप्रेजेंटेड इन अ डायग्रामेटिक वे। दिस बी रिफर्ड एज ए सहजीविता सिम्बायोसिस, बी म्यूटलिज्म सहोपकारिता, सी पिरामिड, डी परजीविता पैरासिटिज्म। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पिरामिड। अगला प्रश्न देखते हैं। 46th क्वेश्चन। एक पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड का शीर्ष प्रदर्शित करता है। टिप ऑफ एन इकोलॉजिकल पिरामिड शोज ए उत्पादक प्रोड्यूसर्स, बी शाकाहारी हर्बीवोर्स, सी मांसाहारी कार्निवोर्स, डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मांसाहारी कार्निवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47th क्वेश्चन। पौधों से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला जो छोटे जानवरों से बड़े जानवरों की ओर बढ़ती है। द फूड चेन डेट स्टार्ट फ्रॉम प्लांट्स एंड गोज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर एनिमल इज ए डेट्रिट खाद्य श्रृंखला डेट्रिटस फूड चेन, बी परजीवी खाद्य श्रृंखला पैरासिटिक फूड चेन, सी प्रीडेटर खाद्य श्रृंखला प्रीडेटर फूड चेन, डी नतोपचूपी खाद्य श्रृंखला सेप्रोफिटिक फूड चेन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी प्रीडेटर खाद्य श्रृंखला प्रीडेटर फूड चेन। अगला प्रश्न है 48th क्वेश्चन।
पोषण रीति बनती है. ट्रॉपिक लेबल्स आर फॉर्म्ड बाय ए केवल पौधों में ओनली प्लांट्स, बी केवल जंतुओं से ओनली एनिमल्स, सी केवल मांसाहारियों से ओनली कार्निवोर्स, डी आहार श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़े जीवों से ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड इन फूड चेन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आहार श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़े जीवों से. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरे पौधे बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स फॉर्म ए प्रथम पोषण रीति फर्स्ट ट्रॉपिक लेबल, बी द्वितीय पोषण रीति सेकेंड ट्रॉपिक लेबल, सी तृतीय पोषण रीति थर्ड ट्रॉपिक लेबल, डी पूर्ण आहार श्रृंखला कंप्लीट फूड चेन. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पोषण रीति फर्स्ट ट्रॉपिक लेबल. कितने ट्रॉपिक लेबल होते हैं? चार ट्रॉपिक लेबल होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. फर्स्ट वाले में कौन आते हैं? प्रोड्यूसर्स आते हैं. जितने भी प्रोड्यूसर्स होंगे, उत्पादक होंगे, वो कौन से ट्रॉपिक लेबल में आएंगे? पहले ट्रॉपिक लेबल में आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब. खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर दर्शाते हैं. ट्रॉपिक लेबल्स इन अ फूड चेन शो ए क्रियात्मक स्तर को फंक्शनल लेबल, बी ऊर्जा स्तर को एनर्जी लेबल, सी निके को एक जाति के कार्य को. तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी लेबल को. खाद्य श्रृंखला के पोषक स्तर जो होते हैं वो एनर्जी लेबल को शो करते हैं. तो ये थे हमारे इकोलॉजी के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए. नेक्स्ट टू वीडियोस में भी हम 50-50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. मोस्ट जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे. अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.